बनी ऐसे कि आईफोन में। हाँ तब भी पूछ रहे होंगे आप। तो ये यहाँ का कुआं है जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। कितना बड़ा है और कितना खतरनाक, आज लोगों ने पूछ दिया है। दीदी और दादा भी गवाह है, जहाँ से भी गुजर रहे हैं, जैसे दर्शन करके हम बाहर को निकल रहे हैं तो वही पूछ रहे हैं कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। सारी चीजें दिख रही थी बाबू। ये फाइनली अब हम डैम में पहुंचते हुए, गुरुद्वारे का सफर अब यहीं पर खत्म होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, धन्यवाद। तुलसी डांट खाकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आया। कितनी डांट खाई? सबसे ज्यादा किसने खाई आपने? सबसे ज्यादा। ऐसा पूछ रहे तुम लोग हो कहाँ के? हाँ तब भी पूछ रहे होंगे आप। चार लोगों ने मुझे बताया तुम कहाँ से आ रहे हो। सूट पहन कर जाते पंजाबी, ऐसा ड्रेस है तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर फॉरेन कंट्री से आ रखे हैं। तो जैसे ही हम बोल रहे हैं कि हम खटीमा के हैं तो हाँ मतलब शॉक्ड हो रहे हैं कि अच्छा तुम मतलब इतने नजदीक क्यों खा रहे थे तभी तो बोल रहे थे। अच्छा कितनी दूर से आए बस तुम लोग? फिर हमने कहा अच्छा घर पे बोल रहे हैं। उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा था कि हम लोग खटीमा के हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि हम कहीं दूर से आ रखे हैं। मार्केट लगी थी, इस बार मार्केट नहीं है और यहाँ से चलने का भी रास्ता नहीं था, चलने की भी जगह नहीं थी जब मालूम के साथ आए थे। लेकिन आज काफ़ी शांत है, लेकिन चलो कोई नहीं, कुएं के दर्शन आराम से हो जाएंगे। हम कुएं के पास पहुँच चुके हैं, बालों की तो दुर्दशा ही खराब हो गई, हम कैसे हो गए हैं। तो ये रहा ये कुएं के पास दीदी, वहाँ पर तो गाइस व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। एक तो बादल लग रखे हैं ना तो बहुत ही सुंदर लग रखा है। ये यहाँ पर देखो कुएं के पास तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से लगा हुआ है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। देख सकते हैं आप ये दीदी दादा दर्शन के लिए जाते हुए। और यहाँ पर ये दुकानें भी लग रखी हैं, यहाँ पर चाउमीन बन रखी है, यहाँ पर सिकंजी बन रही है और वहाँ पर आइसक्रीम। तो फाइनली हम ये यहाँ पर कुएं के पास पहुँच चुके हैं। कुएं में सिर्फ माथा टेक सकते हो बोल रहे हैं, क्योंकि कुएं का भी दरवाज़ा बंद है, क्योंकि बारिश के सीज़न के कारण वहाँ पर ना काई वाई जम रखी है, फिसलने की डर रहती है, गिरने की डर रहती है, इसलिए ये पूरा बंद है। और ये व्यू देखो गाइस कितना प्यारा आ रखा है, मज़ा आ गया इस व्यू को देख कर, तो इतना प्यारा लग रहा है ना बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए ये पूरा कुएं का सिनेमैटिक व्यू, वहाँ तो जाना ही नहीं हुआ, काई वाई जमे रहती है ना, गिरने का डर है बहुत। नीचे क्या है? नीचे बोटिंग वोटिंग कर सकते हैं बोल, और फोटो खींच सकते हो बस, वीडियो भी बना सकते हो बोल रहे हैं, जब भीड़ रहती है तब नहीं बना सकते हो बस। अभी खींच सकते हो फोटो? हाँ यहाँ पर फोटो खींच लो बोल रहे हैं। तो ये यहाँ का कुआं है जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है गाइस। तो यहाँ से ये सीढ़ी है नीचे आने की और वाली सीढ़ी है ऊपर जाने की, तो दो रास्ते बने हुए हैं। ये दीदी तुलसी लोग गए हैं, मैं जाकर दर्शन करके आ गई हूँ और ये लोग फ़ोटो भी खींच रहे हैं जहाँ पर कि फ़ोटो खींचना सख्त मना है। और ये यहाँ पर दादा आते हुए
गिरने नहीं देंगे मेरा फोन, बचा ही लेंगे। तो देखिए डैम कितना बड़ा है और कितना खतरनाक है, और एक भी यहाँ पर नीचे लगे हुए हैं साइड में, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर वोटिंग करने वालों की संख्या बहुत कम है। सारी चीज़ें लिख रखी हैं पूरी डिटेल में। जा रहे हैं क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है और दर्शन भी हमारे हो गए हैं, यहाँ कुएं के दर्शन हो गए हैं और यहाँ पर आप लोगों ने पूरा व्यू भी देख लिया है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर ये। अब अपने ये उजड़ा चमन तो मैं कैसे डैम है, और ये डैम का सफ़र भी ख़त्म होते हुए चल रही है घर की तरफ। देखो ये डैम कितना बड़ा है, कितना प्यारा है और मौसम देखो कितना प्यारा है। यहाँ पर बकरियाँ देखो ये कितने सारे एक कतार में चलते हुए, देखो ये कितनी प्यारी लग रही हैं। बाप रे इतनी सारी बकरियाँ किसकी होंगी, इन्हें बकरी का शायद बिजनेस कर रखा है ना ये। देखो तुलसी मैंने तुम्हें नाना बता के दर्शन करा दिए, मैंने तुमसे पहले बोला था ना मैं तुम्हें ले जाऊंगी। अब ये है डैम का पूरा व्यू देखो, क्योंकि मैं ये यहाँ पर आ रखी ना यहाँ पर पार्किंग जोन में, तो पार्किंग जोन से ये डैम का पूरा वीडियो बन रहा है। देखिए यहाँ से हमारी गाड़ी रुकी हुई है इधर पे, यहाँ से ये ऐसे ये देखो तुलसी को तो बस पानी में ही घुसने की हो रखी है, लेकिन हमसे माँ ने मना कर रखा है। माँ ने बोला है बिल्कुल पानी में मत जाना और पानी के आसपास भी नज़र मत आना, अगर आई तो फिर देखना, इसलिए हम थोड़ा दूर से ही नज़र आ रहे हैं। मेरी वीडियो सब बता देती है हमको। अब यहाँ पर हम सिकंजी पी रहे हैं और यहाँ पर चाउमीन खा रहे हैं। चाउमीन खाने वाले हैं हम सिर्फ, मतलब दो प्लेट बना रखे हैं, दो में से हाफ हाफ खाएंगे क्योंकि ज़्यादा भूख किसी को नहीं है। और वहाँ पर दादा बना रहे हैं सिकंजी और यहाँ पर मैंने दी है ये चाउमीन बनवाने के लिए, यहाँ पर ये चाउमीन बन रही है। और ये दी अपने बैंक का काम कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर्म वॉर्म फिलअप करने का, क्योंकि उनके बैंक से ऑर्डर आ गया है कि तुम हाफ मार के गई हो तो काम करो फटाफट से। यहाँ फाइनली हमारी सिकंजी आ चुकी है, देखती कैसी है, मज़ा आ गया, जलजीरा जैसी हो रही है, जलजीरा का टेस्ट आ रहा है। चाउमीन का चुस्का लेते हुए अब चाउमीन खा रहे हैं, काफ़ी टेस्टी हो रखी है। खा पी का टन होकर अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, अभी हो रखा है 3:30, 3:30 से अब देखो घर हम किस तरफ पहुँच रहे हैं। फाइनली दादा के सर से 3 साल का क्लियर सड़ गया है। दीदी बार बार दादा को सुनाते हैं कि 3 साल हो गए अभी तक तो मुझे कहीं घुमाने नहीं लगे, 3 साल हो गए अभी तक कहीं घुमाने नहीं लगे। फाइनली आज घूमने के लिए पहुँच चुके हैं हम नानक मत्ता, घर वालों के लिए हम गर्म गर्म पकौड़ियाँ लेने जा रहे हैं। घूम फेरी कर आ रहे हैं और हमारी मम्मी जी देखो कितना काम कर रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं। आ गए, आप बोल रहे होंगे कैसी गई थी और कैसी होकर आ गई है। ओ बाबले, ओ बाबले, मिचू मिचू कितना मिचू मिचू बहुत झाला मिचू मिचू है। बाय बाय आली हूँ, बाय बाय। ये आ गई हमारी कार और माँ ठप्पू गोबर डाल रहे हैं, माँ गोबर डाल रहे हैं, यहाँ घर का काम चल रहा है
और दादा आ गए, दीदी आ गए और मेरा बेटा मम्मा बोल रहा है। लुक जा आ गई मैं, मेरे को नहीं ले गई, तुम लोग बदमाश कहीं के नाराज हो गया क्या? पीछे कौन है? बाबू बोलो, बोलो बाबू, तू भूल गया मम्मा को? गाड़ी पहले कार ही को देखा है, मम्मा नीचे है, मम्मा को भूल गया। अब याद आ गई, चल जुजू भी बहुत भूख लगी होगी, मेरा बाबू बाबू।